त्रैभुवे त्रिनेत्राय त्रिलोकीपतये नमः। मेरा सौभाग्य है कि संतों के बीच उस महान संत की चर्चा करें जो स्वयं राम के अंश के रूप में यहाँ प्रादुर्भूत हुए। जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज समन्वयवादी थे और सबसे पहले वक्ता श्री मिश्रा जी ने उनके जन्म के संबंध में जो बातें कही वो पूर्ण रूपेण समन्वय स्वरूपक थी। किस प्रकार से एक महान पुरुष का आविर्भाव होता है और कहाँ कहाँ उनके पद चिन्ह जो हैं हमको प्रतीत होते हैं। संतों का प्रादुर्भाव इस ईश्वरीय चेतना को व्यवस्थित रूप से संपादित करने के लिए हुआ करता है। जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्यों किया? पातकेभ्यो परम चेतत पातकम नास्तिक ग्रह। हमारे यहाँ दर्शन पुरातन काल से ही प्रचलित है और दर्शनों में आस्तिक भाव प्रारंभ से रहा, लेकिन जब किसी चीज का अस्तित्व होता है तो उस अस्तित्व को बताने के लिए नकारात्मक भाव भी कहीं न कहीं समुपस्थापित कर दिए जाते हैं, तो नास्तिक भाव भी उपस्थित हुए। और जब नास्तिक भाव उपस्थित हुए तो मैं ये महर्षि आत्रेय और अग्निवेश के काल की बात कहता हूँ कि उन्होंने ये बात कही कि पातकेभ्यो परम चेतत पातकम नास्तिक ग्रह। इससे ज़्यादा कोई पातक कार्य नहीं हो सकता कि हम नास्तिकवाद को प्रचलित करें। अतः प्रारंभ, जैसा कि कहते हैं कि शून्यवाद हुआ बौद्ध दर्शन से, लेकिन उसका अस्तित्व पहले था, प्रारंभ काल से ही थे। हम उससे भी बहुत पहले की बात यदि देखें तो हमको ऐसी बहुत सी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी जो कि इस बात को बताते हों किस प्रकार से हम यहाँ, जैसा कि उनके जन्म के संबंध में या उनके शरणागति के संबंध में आपने बताया, लेकिन उनका जो वैशिष्ट्य था वो आस्तिक भाव को अस्तित्व में पुनःसंस्थापित करना था। और आस्तिक भाव की संस्थापना जो है बिना दार्शनिक भावों के नहीं हो सकती। एक स्वभावो परमवाद प्रचलन हुआ बौद्ध के बाद में हर जगह, स्वभावात विनाश कारण निरपेक्षाद उपरमो विनाश है। विनाश के कारण की अपेक्षा नहीं होती, अपने आप कोई चीज़ जो है सनई सनई, जिसको क्षणिकवाद भी कहते हैं, विनाश को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की बहुत सी स्थितियां होती हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जयंते हेतु वैषम्यात विषमा देह धातव। देह को हम जिसको क्षणिकवाद यहाँ से स्वीकार कर रहे हैं तो हमारा हेतुओं का वैषम्य है, और उस हेतुओं का वैषम्य यदि होता है, कहीं से हेतु आते हैं, कारण आते हैं, तो कार्य में वैषम्य होता है। तो तात्पर्य यह है कि पहले कारण में विषमता होगी, उसके बाद कार्य में विषमता के भाव से उपस्थापित होंगे और वो स्वतः ही विनाश को अपने आप प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा मानना है। अब ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत जो है वो उसके बाद आया। किसके बाद? पहले शून्यवाद आया, फिर आदि शंकराचार्य भगवान जो शंकर ने, शंकराचार्य जी ने इसका सिद्धांत को स्थापित किया, अद्वैतवाद को, और उसी अद्वैतवाद को विश्लेषित किया रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत के रूप में। मध्वाचार्य जी ने
द्वैत भाव समुपस्थापित कर दिया। तो ये द्वैत भाव और अद्वैत भाव और ये सब दार्शनिक बातें आप देखेंगे तो एको हेतुरनेकस्य तथा चैकस्य एक एव ही, सब कुछ आपस में सम्मिलित है। दार्शनिक भावों को हम किसी भी प्रकार से विश्लेषित कर दें तो क्या किया, बाद में निम्बार्काचार्य जी महाराज ने द्वैत और अद्वैत दोनों को जो है व्यवस्थित कर दिया। सबसे ज्यादा समन्वयवादी स्वरूप जो है भगवान रामानंदाचार्य जी ने किया, और उन्होंने एक ही बात ये बात बताई कि आप किसी, जैसा कि आपने बताया हरि को बजे सो हरि का होई, उन्होंने इस बात को निर्दिष्ट कर दिया कि किस प्रकार से उन हम भावों को वसी तत्कुरुते कर्म यत्कृत्वा फलमश्नुते, आत्मा उन कार्यों को करता है जिसको करके उसको फल भोगना पड़ता है, और वशी चेते समाधत्य, वही आत्मा जब चित्त को समाधिस्थ कर लेता है, विषयेभ्यो निवर्त्य आत्मनि मनसो नियमनम, मन में नियमन कर लिया जाए तो वो फिर उस मोक्ष भाव को, सायुज्य भाव को, साकेत को प्राप्त कर लेता है, जो कि रामानंदाचार्य जी ने उस बात को वहाँ निर्दिष्ट किया। तो ऐसे बहुत से विषय हैं, बहुत से बोलने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन मुख्य वक्ता अभी बहुत हैं, साधु संतों के आशीर्वाद भी लेने हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हम इस रूप में ध्यान में दे लें कि पुरुष है प्रलय चेष्टे पुनर्भाव विविज्यते। ये जो पुरुष क्या है, आत्मा है, और उसको अनेक प्रकार से माना है, षड्धात्वात्मक पुरुष खादेश चेतना षष्ठा धातु है पुरुष स्मृत है, षड्धात्वात्मक माना है, चतुर्विंशति तत्वात्मक माना है, सांख्यों ने पंचविंशति तत्वात्मक माना है, और चेतना धातु रप्य के स्मृत है पुरुष संज्ञक है, अकेले चेतना धातु को भी हम पुरुष संज्ञक मान सकते हैं, मानते हैं। तो ये क्या है, अव्यक्ताद व्यक्तताम याति, व्यक्ताद अव्यक्तताम पुनः, ये जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने इस प्रकार के बहुत से विषयों का विश्लेषण किया है। हम अव्यक्त से व्यक्त की ओर आते हैं और व्यक्त से वापस अव्यक्त की ओर जाते हैं। पुरुष है प्रलय चेष्टे पुनर्भाव वियुज्यते, कब, जब रजस्तमोभ्याम आविष्ट चक्रवत परिवर्तते, रज और तम ये दो ऐसे भाव हैं जिनसे हम इन चक्र में पड़े रहते हैं, जो ही रज और तम का निराकरण निवारण होता है तो ये हम इस संसार के माया चक्र से छूट जाते हैं। और रजोदोष और तमोदोष, इसकी निवृत्ति कब होती है, जब इस प्रकार के साधु संत जो कृपा करके, जिसको आप प्रसाद बोलते हैं, प्रसन्नता होती है, और साधु संतों का वचन प्रसाद है, उनके दर्शन प्रसाद हैं, सेव्या सन्मार्ग वक्तार है, पुण्य श्रवण दर्शना, सन्मार्ग को बताने वाले होते हैं और उनके देखने मात्र से पुण्य प्राप्त होता है, उनको सुनने मात्र से पुण्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बहुत से विषय हैं जिन साधु संतों के, ये केवल एक भारतवर्ष ही इस भावना को अभिव्यक्त करने वाला स्थान है, ये वो पुण्य भूमि है जहाँ पर हम इस प्रकार के भावों को देख सकते हैं, जहाँ रामानंदाचार्य जी को भी राम माना जा सकता है और राम को भी ब्रह्म माना जा सकता है और ब्रह्म को भी राम माना जा सकता है, सब एक 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 भाव से किस प्रकार से अभिव्यक्त होते हैं, ये दार्शनिक भावों को हम यदि देखते हैं उनमें होते हैं। और जो दार्शनिक भावों के उन गहराई में नहीं पहुंचता है, वो केवल राम नाम के जप मात्र से ही पुण्य को प्राप्त करते हैं। पुनः धन्यवाद।